सगमपनि राग बेस्ट बहुत लाजवाब की गजल है ये, लता जी का गाया हुआ, ज़रूर सीखिएगा। अभी क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ, क्या ज़बरदस्त गायकी है, मेलोडी है म्यूजिक पार्ट के साथ, स्टार्टिंग म्यूजिक पार्ट ज़बरदस्त का सितार का ट्यून है उसके साथ। एक लाइन गुनगुनाता हूँ, माहौल बन जाएगा। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फा। स्टेंजा का ट्यून भी उतना ही ज़बरदस्त है, और सबसे ज़बरदस्त तो इसका स्टार्टिंग पार्ट जो म्यूजिक पार्ट के साथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग म्यूजिक पार्ट जब बजाएंगे बड़ी मज़ा आएगा। सितार का जो ट्यून है, जब आपको नोट मैं अभी बताने वाला हूँ क्लोज करके, जब सीख जाइएगा तो बजाइएगा तो कुछ ऐसा इफेक्ट आना चाहिए, ऐसा ट्यून है उसका। राग भी बता रहा हूँ, ताल भी फेमस है, तो इंतज़ार कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और पोजीशन भी जगह जगह ट्यून बजने के बाद, और उतना ही जबरदस्त इसका स्टेंजा है। स्टेंजा का क्या लाइन है, एक लाइन गुनगुनाता हूं। दिल की राहों में, कॉर्ड पोजीशन, दिल की राहों में, राहों में उठाते हैं जो दुनिया राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कहरवा ताल में है। कोई कह दे कौन के वो देवा, कौन गिराए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत। चलिए देख लेते हैं किस अंदाज में इसको कर सकते हैं। म्यूजिक ट्यून के साथ कॉर्ड पोजीशन हरकत सभी पे चर्चा करता हूँ, आइए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, मधुबंती राग पे आधारित है। मधुबंती राग जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आरोह अवरोह बता देता हूँ। उतना करने के बाद स्टार्टिंग पार्ट से देखना है, अंत तक कमेंट जरूर करना है, इत्मीनान से देखिए। मधुबंती सी शार्प से बता रहा हूँ, पहली काली से ऐसा बजा लीजिएगा, पहले आरोह अवरोह के रूप में। नी स ग कोमल मा तीव्र प नी सा नी द प म ग ओके इतना करने के बाद कहरवा ताल में है। स्टार्टिंग पार्ट बजाने के बाद गजल स्टार्ट करिएगा। स्टार्टिंग पार्ट में क्या क्या है, सितार का ट्यून जबरदस्त है, देखिएगा। क्या नोट था, वाणी सागरे गरे, उसके बाद माधपा, जगह जगह कॉर्ड लेना है, और उसके बाद
नी में रुकना है, पसानी थोड़ा खटका लगा के पसानी रे सानी, लास्ट में माधपा माधपा, इसके बाद क्या नोट था, माध मग मग रे गे ग सनी रे सनी। धनी ये लास्ट पार्ट है, धनी र ग धनी सा पूरा, जब फाइन एक पार्ट और इसमें बाकी है, अभी इसको फाइन जब करिएगा तो ऐसा बजेगा, इतना करने के बाद एक ट्यून आता है, ये ऐसा है, क्या नोट था, उसके बाद गजल स्टार्ट, रे सा ध ग ग, लास्ट ग में कॉर्ड, रे सा ध ग ग, उसके बाद रे सा ध रे रे, रे सा ध सा सा, फाइन करिएगा तो इतना के बाद गजल, रस्मे उल्फा सागा पमध पमा, तो ये पमध प खटका है, फास्ट बजाना पड़ेगा, रस्मे उल्फा उल्फा कोनी भाए पमग सरे, खटका धोका कोनी भाए पमग सरे, कॉर्ड कोनी भाए तोनी भा तोनी, ये जल्दी से रे का तोनी भाए, कॉर्ड तोनी भाए कैसे कै, यानी में कॉर्ड भी ले सकते हैं, कैसे नी पानी धपमा धप गसा, नी पानी धपमा धप गसा कैसे, ओके यही टोन है, अगला लाइन का भी थोड़ा चेंजिंग है, हर तरफ आग है दामन सागा पामा, हर तरफ आग है दामन को बचा गा सा 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 को बचाए, और कैसे 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 पदनी सनी धनी धप मप धप कैसे प पदनी सनी धनी धप कैसे धप धप म कैसे निधपम कैसे कैसे गसप गसा, स्टेंजा का ट्यून है, गौ से स्टार्ट करना है, दिल की राहों में, यहाँ ये कॉर्ड पोजीशन, नोट क्या बना, ग प प सनी रे सनी नी, दिल की राह रा रा प सनी रे सनी, जल्दी में, दिल की राह ने, और यहीं से नी से उठाते, तो ये जो कॉर्ड बनेगा ये सा ग प का कॉर्ड, तो नीचे का भी सा ग प ले सकते हैं, उठाते यहाँ कर लीजिएगा,
उठाते। ओके, यहां से देखिए फिर, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया निशानी धापा है, जो दुनिया क्लियर बजाइएगा तो, है जो दुनिया निशानी धापा है, जो दुनिया ऐसा भी कर सकते हैं, है जो दुनिया वाले वाले पदनी धनी सानी पमग मग। थोड़ा चेंजिंग है, अगला लाइन में जब जाइएगा तो थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले मपा मबदनी सानी पमग मग मपदनी सानी पमग मग वाले। कोई फिर अस्थाई वाला ट्यून है, कोई कह दे के वो देवा के वो